गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SSV। कैसे हो सब लोग? एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं और शकील वेट कर रहे हैं ओला का, और टाइटल से तो अब पता चल ही जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग दुबई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग मैन? यो मैन अल हबीबी, दुबई का बेबी। वल हबीबी, दुबई का बेबी। हम हो चुके हैं रेडी, और ओला का वेट कर रहे हैं हम लोग। एंड बस अभी बजी है 4:30। सुबह 10 बजे का फ्लाइट है, लेकिन 5 बजे हमें पहुंच जाना पड़ेगा अंदर एयरपोर्ट में। कैसे ट्रैवल करना है, क्या करना है, कोविड सीनेरियो में सारे प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा अंदर एयरपोर्ट जाके। चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और वहां मैं आपको सीधा मिलूंगा। और ये हमारा लंबा ट्रिप है, तो 10 दिन तक 12 दिन तक हमारे साथ बने रहेगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत ही मज़ा आएगा हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल व्लॉग में। लेट्स गो। હજુ પેલા નો દુઃખ ગયો નહીં, મને ક્યાં નવું ચાલુ છે? ઓકે, સો ઓલ સેટ. તો ગાઈઝ, ફાઈનલી વી આર ઇન ધ ટર્મિનલ 2, ઓર હમારા યહાં પર રેપિડ ટેસ્ટ હો ચુકા હૈ જો દૂસરા વાલા હૈ. અભી કોવિડ કા સિનેરિયો એસા હૈ, સબસે પહેલે આપકો બહાર रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा जो नेगेटिव होना चाहिए, और कोविन की दोनों वैक्सीन होनी चाहिए उसके लिए, तभी आप अंदर आ सकते हो. उसके बाद एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे आपको वापस करवाना पड़ेगा रैपिड टेस्ट, और फिर दुबई जाके वापस करवाना पड़ेगा. यानी आपके 3 रैपिड टेस्ट हो जाएंगे. तो 2 तो मैंने आपको दिखा दिए, अभी 3rd जो होगा वो दुबई में होगा. तो अभी इसकी रिपोर्ट आएगी 45 मिनट्स के बाद. हमारा टेस्ट हो चुका है, और सुबह से चाय वगैरह पी नहीं हमने, तो मैं और शकील यहाँ पर चाय पियेंगे. 45 मिनट्स क्या करें, बैठ के आपसे बात ही करेंगे. ये देखो, ये भी हमारे साथ चल रहा है दुबई एयरपोर्ट पे. क्या कर रहा है भाई तू? पासपोर्ट वीज़ा कहाँ है तेरा? तेरा RT-PCR हुआ कि नहीं? मत तो गाइस, फाइनली चेक इन हो चुका है, एंड वी गॉट द टिकट्स. एंड यहाँ पर 30 kg अलाउड है लगेज में, तो लगेज में बैग चला गया है. दोनों का मिला के 30 नहीं हो रहा है. और RT-PCR टेस्ट हो गया, उसका रिपोर्ट आने में 45 मिनट्स लगता है. वो हो गया, चेक इन हो गया, अब जाएंगे इमिग्रेशन में. इमिग्रेशन बहुत ही मेन पार्ट है, और वो अच्छे से हो जाएगा. तो वी आर ऑफ टू दुबई. तो लगेज चेक इन के बाद इमिग्रेशन नहीं आता है, पहले सिक्योरिटी चेक इन आएगा, और अभी है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन में कोई वीडियो शूट नहीं करूँगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर शूट करना, और सीधा आप इमिग्रेशन के बाद मिलेंगे. दुबई इज़ ऑन. ओह, फाइनली इमिग्रेशन डन. बहुत ज़्यादा सवाल पूछे मेरे के मुझसे तो, कि आप कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आपका वीज़ा कौन सा है, होटल का नाम कौन सा है, और सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाना पड़ा. तो इमिग्रेशन भी हो गया, अब यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको. क्या व्यू है! तो यहाँ पर सब फ्लाइट्स दिख रही है. ये है इंडिगो, और हमारा जो फ्लाइट्स है वो एमिरेट्स है. तो एमिरेट्स के वहाँ हम जाएंगे. यहाँ पर प्रेयर रूम के पास मैं आया हूँ. क्या बोलते हैं शकील भाई? दुबई इज़ ऑन बेबी. वन लाइफ बेबी. Thank you.
इकोनॉमी क्लास ये बोलने की जरूरत नहीं थी भारी हमें गरीब होने का एहसास दिला दिया उसने। हाँ बिजनेस क्लास ला जाए। हाँ गाइस वी आर इन द फ्लाइट गो दुबई। और ये अपनी विंडो सीट तरफ विंडो। और अभी तक एमिरेट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वाह क्या बोलते हैं, है ना, क्यू भी ज़्यादा नहीं रहती है, अंदर का व्यू भी मैंने आपको दिखाया फ्लाइट का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और बिजनेस क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, आई डोंट नो, उसकी सीट काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा। बहुत भूख लगी है, 5 बजे एयरपोर्ट पर आ गए थे और 7 बजे हमारा सब सारे प्रोसीजर ख़त्म हो गए थे और 10 बजे की फ्लाइट है हमारी। चाय पी थी रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे उठ गए, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए और सिर्फ एक कप चाय पी थी, तो अभी पेट भर के आराम से खाना खा लेते। बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा। गाइस खाना आ चुका है, चिकन टिक्का राइस, ये आई थिंक क्या है पता नहीं, पिकल है, ये क्या है, व्हाट इज दिस अगेन, आई डोंट नो, सैलेड वगैरह कुछ लग रहा है ये, और ये कुछ स्वीट है, पानी और स्पून, ये क्या है, सेवोरिया मिक्स, इसमें शायद मिक्स करने का है, और ये है माउथ फ्रेशनर, ये लास्ट जूस, ये कौन खाया आधा, कैसे ऐसे खाना अच्छा है भाई, मजा आ गया। चिकन टिक्का राइस फिनिश बहुत अच्छा था, सलाद ओके ओके, ये सेवैया थी, खीर थी, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी है, मैं दिखा दूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा ये रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फाइनली वी हैव रीच दुबई एयरपोर्ट, एक नंबर, मज़ा आ गया। अभी यहाँ से लगेज कलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ का इमिग्रेशन और हम सीधा दुबई में एंटर इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एमिरेट्स के साथ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और फर्स्ट टाइम था हमारा एमिरेट्स में। डिफरेंस मोस्टली दो फ्लाइट्स के बीच में, इंडिगो और एमिरेट्स में सिर्फ 3,500-4,000 का होता है, बेटर गो फॉर एमिरेट्स Emirates, really, service, quality, everything is very good. बहुत मज़ा आया। Guys, Dubai Airport देखो, Dubai Airport. Dubai Airport. अपना बैग आ रहा है, अपना बैग आ रहा है, ये वाला अपना बैग है, ये मेरा बैग है, ये वाला।
अलविदा। फाइनली दुबई कदम रखेंगे, दुबई में कदम रखेंगे, एयरपोर्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। पहुंच गया और ये सिटी मैक्स है, ये हमारा होटल है और ये शकील है और ये दुबई है। फाइनली हाउ द शकील भाई, दुबई पहुंच गए हम लोग और वेदर अच्छा है, थोड़ा नॉर्मल है, धूप भी है, गर्म भी है और हवा अच्छी चल रही है। अभी अंदर हम लोग ने लगेज हमारा रख दिया है, रूम मिलने में थोड़ा 1 आवर लगेगा, तो हम लोग ने लंच किया नहीं था, तो बाहर जा रहे लंच करके फिर रूम में चेक इन करेंगे। हमारे भाईजान ने बोला है कौन सा सरहद होटल में जाना, सरहद चल यहाँ हम लोग ने पूछा तो एक सरहद होटल करके है, पाकिस्तानी फूड। बाकी आज रूम में मस्त खाना वाना खा के रूम में जाके सो ही जाने वाले। बहुत थक गए, थकान हो गई है। रात को जाएंगे दुबई मॉल, रात को फिर देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो गाइस ये हमारा रूम है, छोटा सा प्यारा सा, 2 सिंगल बेड। ये मेरा एडिटिंग हो जाएगा यहाँ पर, अभी मास्क निकालते, बहुत दम घुट रहा है। यहाँ दुबई में बहुत कंपलसरी है मास्क, और यहाँ पर और हमारे शकील भाई, ये हमारा प्यारा सा रूम, छोटा अच्छा रूम है, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल चलेगा। ज़्यादा ऐसे भी रूम में हम लोग रुकते हैं नहीं, सिर्फ सुबह उठेंगे चले जाएंगे, रात को सोने आएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, अभी आज आराम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा व्लॉग कर लिया है आज, और बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग शायद हो चुका होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी आराम से सोएंगे, उठेंगे, व्लॉग एडिट करेंगे। आप लोग व्लॉग देखना, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 10 दिन हम यही हैं दुबई में, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिखाएंगे। और दुबई वैसे मैं और शकील ऑलरेडी आ चुके पहले, पर वो उसकी वाइफ के साथ आया था, मैं मेरी वाइफ के साथ आया था। मैं 2016 में आया था और तू 2017 में आया था ना? मैं 16 में आया था। 16 में तो मैं आया था। मैं भी तभी आया था। नो यस सर, 17 में तो हजे आ गया। शायद 2016 में ही दोनों आए थे, 21 साल में नवंबर अलग अलग आए थे। तो ये हमारा सेकंड टाइम है दुबई, थोड़ी बहुत चीजें देखी हुई है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है, और एमिरेट्स का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, उसमें काफी अच्छा लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।